मौलाना तौकीर रजा जो अपनी आवाज को उठाने के लिए जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। जेल भरो आंदोलन अंग्रेजों के टाइम पर भी चला, जब अंग्रेजों को सबक सिखाया गया, ठीक है। तो जेल भरो आंदोलन और वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो संवैधानिक दायरे में रहकर कोई हिंसा तो उपद्रव तो कर ही रहे हैं। उपद्रव तो देखने को मिला हल्द्वानी में, जहाँ पुलिस पत्थर उठा उठा के मार रही है, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है और फिर उसको कह दिया जाता है कि ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। एक बात आप मुझे बताइए, एक बीजेपी का नेता जो संसद भवन के अंदर बैठकर मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलता है, वो पूरे देश ने देखा, रमेश भिदुड़ी, ना तो उसके ऊपर हेट स्पीच के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और ना उसको पार्लियामेंट से स्थगित किया गया। ये मुसलमान कहीं विदेश से नहीं आए, ये मुसलमानों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपने सरों को कटवाया है। क्या लगता है जिस तरीके से हल्द्वानी में मस्जिद की दीवार तोड़ी गई, बवाल हुआ वहाँ, हंगामा हुआ, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी हटाओ का नारा देकर आए थे इस सत्ता के अंदर, लेकिन आज वो गरीब को ही हटा रहे हैं। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के नाम पर जगह जगह पर और तमाम जगहों पर बुलडोजर की इस देश में राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश के न्यायालयों पर और कोर्ट के ऊपर ताला लगा दिया जाए? आप मुझे ये बताइए ना, मैं खुद एडवोकेट हूं और मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नेताओं से, सरकारों से, कि आपको बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे नेताओं की दुकानें, उनके घर और मकान अतिक्रमण के नाम पर बने हुए हैं, लेकिन नेताजी का घर कहके उन अतिक्रमण पर कोई बुलडोजर नहीं चलती। जिसको आप अतिक्रमण बता रहे हैं और अतिक्रमण के नाम पर जैसे आप जिस तरीके से गरीबों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, चलिए मंदिर मस्जिद मदरसा एक अलग चीज है, लेकिन घरों पर बुलडोजर चलाना, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर, जी जेल भरो आंदोलन और तेज हो गया उसके बाद। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने सूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, जिसके चलते वहां पर 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक डेथ हो चुकी है, उनकी उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि लोग अपनी आवाज को उठाने के लिए, ये मैं नहीं, ये भारत देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक और अधिकार देता है, लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्रियों ने संविधान को कुचलने का काम किया है, बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, एक बात मुझे बताइए, इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करा जाना ये हमारा और आपका एक संवैधानिक राइट है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने को लेकर आप सूट एंड साइट का ऑर्डर दे दें, ये कहां तक सही लेकिन है? उसी के बाद से तौकीर रजा ने कहा है कि अगर हम पे हमला करेंगे तो हम मार देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये मारने की बात है, इसकी इजाजत हमारे देश का संविधान नहीं देता। हाँ। तो आपने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, वो नहीं सही, लेकिन हाँ। आप ये जो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर अत्याचार करना, हाँ। ये भी हमारे संविधान के विरुद्ध है। हाँ। हमें संविधान के दायरे में रहकर तमाम बातों को उठाना है, लेकिन आज मैं एक किस्सा मेरे को याद आता है 1974 का, उधम सिंह जी का किस्सा, वो उधम सिंह जिन्होंने अंग्रेजी अफसर को इंग्लैंड में जाके मारने का काम किया, पूरा देश उधम सिंह को जानता है। आज आपको बात बताना चाहता हूं साल 1974 की, साल 1974 के अंदर जब शहीद उधम सिंह के अवशेषों को इंग्लैंड से भारत लाया गया, उस वक्त पर उनके अंतिम संस्कार में आपको बता दूं कि मौलवी साहब भी मौजूद थे, पंडित जी भी मौजूद थे और इसी के साथ साथ वहां पर ग्रंथी भी मौजूद थे। जानते हैं कि अब वो सब लोग वहां पर क्यों मौजूद थे? तो उसके पीछे का कारण है कि शहीद उधम सिंह ने अपना नाम जो रखा था वो रखा था राम मोहम्मद सिंह, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये अपना नाम रखा था शहीद उधम सिंह ने। राम मोहम्मद सिंह आजाद उन्होंने इसलिए अपना नाम रखा, उन्होंने इसलिए अपना नाम रखा ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत को दिखा सके कि भैया हमारे धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हम लोग एक हैं। लेकिन आज ऊपर बैठे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह जैसे लोग देखते होंगे और उनकी आत्मा को रोना आता होगा कि हम लोगों ने भी किन के लिए फांसी का फंदा चूमा, जो लोग आज अपने ही देश के भाइयों के खून के प्यासे हो गए। मंदिर और मस्जिद ने एक भाई को दूसरे भाई के खून का प्यासा बना दिया। आज इस देश में नफरत की राजनीति इतने उफान पे आ गई और ये नफरत की राजनीति आने का कारण आप जानते हैं, ये नफरत की राजनीति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव, इसी के मद्देनजर और मौलाना तौकीर रजा को लेकर। जी, रजा ने कहा है कि बुलडोजर चलेगा तो हम देखते रहेंगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है भाई, वो एक बात आप मुझे बताइए, आप किसी के धार्मिक स्थल को कुचलेंगे, किसी के घर को कुचलेंगे तो लोग खड़े होकर तमाशा तो नहीं देखेंगे? लोग कोर्ट जाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे और भैया आप कोर्ट में केस लगाइए, कोर्ट में केस लगाइए, कोर्ट हटाएगा,
कोर्ट के ऊपर राइट है कि कोर्ट हटाएगा, कोर्ट बताएगा कि वो अतिक्रमण है या नहीं है। अतिक्रमण तो ये भी होता है कि अगर आप अपना छज्जा बाहर निकाल लें, उसको भी अतिक्रमण कहा जाता है, एक लिमिट होती है उसकी। लेकिन आप देखिए, निकल जाइए, कितने नेताओं के छज्जे बाहर दिखेंगे आपको। रैली में गिरफ्तारी देने पहुंच गए, उसके बाद से और ज्यादा वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संविधान में सबको हक और अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो आखिर रजाने कौन सी हिंसा वाली बात की है, जरा आप मुझे बताइए। दूसरी बात, जिस तरीके से सुन लीजिए, हामी सरकार और पीएम मोदी पर, सुन लीजिए, क्या आपत्तिजनक बयान दिया है? हाँ। क्या बयान दिया बताइए ना। कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं संज्ञान ले रहा है, तो हमारे ऊपर जो जुल्म होगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। भाई एक बात आप मुझे बताइए, कोर्ट के अंदर संज्ञान लिया जाना चाहिए, हर किसी की बात का लिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से जो है एक और हमारे जो सलमानी साहब है उनको गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती अजहर सलमानी साहब को जिस तरीके से वहां से गिरफ्तार किया गया। आज लोकतंत्र में क्या बोलने की आजादी खत्म हो गई है? उन्होंने किसको लेकर कहा और किसको कहां डाइवर्ट कर दिया जाता है, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है और फिर उसको कह दिया जाता है कि ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। एक बात आप मुझे बताइए, एक बीजेपी का नेता जो संसद भवन के अंदर बैठकर मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलता है, वो पूरे देश ने देखा, रमेश भिदुड़ी, ना तो उसके ऊपर हेट स्पीच के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और ना उसको पार्लियामेंट से स्थगित किया गया, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान से हिजाब को लेकर विवादित बयान होता है, उसके ऊपर क्या हुआ जरा कोई मुझे बताए। एक बीजेपी का नेता साउथ से टी राजा, वो कभी हिजाब को लेकर कभी मुसलमानों को लेकर आए दिन विवादित बयान देता है। ये मुसलमान कहीं विदेश से नहीं आए, ये मुसलमानों ने भी देश की आजादी के लिए अपने सरों को कटवाया है। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या आप शहीद अशफाकुल्ला खान को वापस ला सकते हैं? अगर आप शहीद अशफाकुल्ला खान को वापस ला सकते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना फांसी का फंदा चुना, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी को स्वीकार किया, अगर आप अशफाकुल्ला खान को और उनके जो बलिदान है उसको वापस आप ला सकते हैं, तो आप बात करिए हिंदू मुसलमान की। मुफ्ती अजहरी को तो एक बेल होती है तो फिर दूसरा केस लग रहा है। अभी उनके जो है एक मैटर में बेल हुई, उसके बाद में दूसरे मैटर उनके ऊपर हो गया और अब तीसरा भी उनके ऊपर केस हो गया है। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप कहां से इसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं जहां बोलने की आजादी नहीं है? आप एक बात मुझे बताइए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर जिनको लड़ाया जा रहा है, आज इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि भैया औरंगजेब है, आप चाहे कहते हैं कि तमाम शासक हैं, बादशाह है, जहांगीर है, और भी है, बाबर है, आप सब चीजों को लेकर कहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश का आम मुसलमान, पहले भी आम मुसलमान था, जनता में आता था और आज भी जनता में आता है। जैसे आपको मैं बता दूं, पृथ्वीराज, सुन लीजिए, पृथ्वीराज चौहान हुए, महाराणा प्रताप हुए, जब वो राजा होते थे हम लोग फिर भी प्रजा थे, आज नरेंद्र मोदी राजा है हम फिर भी प्रजा हैं। तो लोकतंत्र में रह रहे हैं, तौकीर रजा का कहां तक ये कहना चाहिए कि कोई हमला करेगा तो हम मार देंगे? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर एक बात आप मुझे बताइए, सेल्फ डिफेंस क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। हाँ। किसी को मारना, ये बात के लिए मैं भी कहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि किसी को मारना वो गलत है, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और किसी की मार पीट पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन मौलाना तौकीर रजा जो अपनी आवाज को उठाने के लिए जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं, जेल भरो आंदोलन अंग्रेजों के टाइम पर भी चला जब अंग्रेजों को सबक सिखाया गया, ठीक है, तो जेल भरो आंदोलन और वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो संविधानिक दायरे में रहकर कोई हिंसा तो उपद्रव तो कर नहीं रहे, उपद्रव तो देखने को मिला हल्द्वानी में जहां पुलिस पत्थर उठा उठा के मार रही है। बताइए ना आप मुझे। हाँ। उन वीडियो को आप देखिए, उनको आप नजरअंदाज कर देंगे क्या? आज इस देश के मुल्क के हम चार भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? हाँ। आखिर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बीजेपी परेशान है कि राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो गया, शांति से हो गया, कहीं पूरे देश में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, ज्ञानवापी मस्जिद का कार्य हो गया, पूजा अर्चना शुरू हो गई, कहीं कोई दंगा नहीं हो, बीजेपी परेशान है, इसलिए बीजेपी कोई नए नए मुद्दों को उजागर कर रही है। वरना आप मुझे ये बताएं कि 24 से पहले ये सब मुद्दे कहां गायब थे? कहां गायब थे सब मुद्दे? हाँ। ये सब मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है सिर्फ राजनीति करने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, इस राजनीति की आग में जलेगा सिर्फ आपका मुल्क। अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, देश की तरक्की चाहते हो, तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर भाईचारे की बात करो, प्रेम की बात करो। अरे हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ते हो? इस देश के लिए लड़ो, इस देश की मिट्टी के लिए लड़ो, लेकिन आप उसके लिए लड़ोगे नहीं, आप तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हो, आप हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हो। कभी अपने ताजी को पानी का गिलास उठाकर दिया नहीं होगा और नेताओं के जूते उठाने चल रहे हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये देश अभी
कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले ही मार खाए हो अंग्रेजों से, उसके बाद फिर वही गलती दोहरा रहे हो, फिर गलती दोहरा रहे हो, फिर कोई तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएगा दोबारा। ये देश गुलाम रहा 250 साल, हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज समझते हैं कि गुलाम क्यों रहा, क्योंकि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, किसी और का नहीं अपने ही भाइयों का खून बहाने का काम करते हो, जिस कारण आप ही की गलती की वजह से आपका मुल्क गुलाम होता है, और फिर उसके बाद में आप कहावत कहते हो कि अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस देश को आजाद कराने के लिए अब दोबारा कोई शहीद भगत सिंह, राजगुरु अशफाकुल्ला खां जैसा बेटा पैदा नहीं होगा, इसलिए देश को गुलाम मत होने दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, जहां पर दिवाली और रमजान एक साथ पाया जाता है, इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखें, इस मुल्क के अंदर दंगे फसाद से दूर रखें, अपने बच्चों को